नमस्कार, ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर, और किसान है यहाँ नारेबाजी कर रहे किसान के खिलाफ, किसान सरकार के खिलाफ। और आप सबने देख सकते हैं बस्ताड़ा टोल प्लाजा से जो किसान है वो काफी भारी संख्या में यहाँ मौजूद है, और वो नारेबाजी कर अपनी आवाज किस सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सुबह से यहाँ लाठीचार्ज हुआ था। आवाज दो, खट्टर तेरी तानाशाही खट्टर तेरी तानाशाही, जय जवान जय जवान जय जवान जय जवान, खट्टर तेरी तानाशाही खट्टर तेरी तानाशाही, जय जवान जय जवान। यहाँ देखा आपने सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, और किसानों ने जो काफी रोष प्रकट कर रहे हैं वो बहुत इस बात को लेकर है, जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर आज लाठी चार्ज हुआ, जो कई किसान घायल हुए हैं और काफी उनमें गंभीर भी घायल हैं और जिनका इलाज चल रहा है, और कई किसानों को प्रशासन ने पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, जिसे लेकर रोष प्रकट कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद एक बुजुर्ग किसान, उनसे बात करेंगे। ताऊ जयराम जी की के नाता अपना ताऊ समय सिंह संधू, ताऊ समय सिंह संधू भाई पाछा फिर ले मनानी उन्हें, एक बार सुनील भाई छोटा लट लग रहा रो, अच्छा कोई बात नहीं फिर संभाले। ताऊ इनू क्या लट लग रहा मेरा बेटे, आज इन बड़का का बहुत लग गए, और यह सरकार की साजिश थी जो ये सारा हरियाणा बीजेपी का एमएलए मिनिस्टर मुख्यमंत्री ये सारे ने सलाह बनाई थी, तब तने के बेरा सलाह बनाई थी एक मिनट जो इन्होंने आज लग निया मीटिंग रखी थी हरियाणा की, और यो तो बता ये वहाँ भी रखे थे चंडीगढ़ भी, इन सारे हरियाणा के जितने एमएलए मिनिस्टर जितने भी बीजेपी के थे सारे की सलाह यह थी अकबई करनाल में किसान मजदूर को पीटेंगे, वो इन्होंने काम कर दिया बेटे। अच्छा। और कर नहीं अधिकरण लग रहा जी, जो बात यह देख ले बेटे, जब ये ओड़ा मीटिंग लेनी थी ये चंडीगढ़ भी ले सकते, यह बात एक पत्रकार ने भी कही थी, चंडीगढ़ भी ले सकते, इनकी साजिश थी, और ये थी कि भाई किसानों को तोड़ा फोड़ा जाए, इन अपने मन की कर ली, और ये भी देख ले क्या हाल हो गया, या तो इन्होंने बाल दी इतनी बड़ी जैसे जलियां वाले बाग में बड़ी थी, और या सीएम के इसमें बड़ी करनाल में सारे हरियाणा की सीएम के उरे बाल दिन है घर में, इन्हें सारे ने मिलकर सीएम को कहा कि भाई तू अपने घर कर, हरियाणा करवाया यू पंगा, इन्हें कही थी सीएम ते बात, ये सारे ने कही, धनखड़ ने कही, एमएलए ने कही, कोई हम भी नहीं बोलिया खिलाफ, अक भाई यार ना करो मीटिंग किसान आ जाएंगे, सारे मुनेदार मीटिंग थी, सारे मुनेदार थी, कोई वो वर्कर की मीटिंग नहीं आ, सारे की सलाह बनकर हरियाणा के जितने गुंडे गुंडे बदमाश एमएलए मिनिस्टर है ये सारे की साजिश थी, और याद खेल मैच गया, और एन मैच रे भी देखिए कितना पड़ेगा, बड़ेगा नहीं बेटे, और बड़ा लग रहा है, और रह रहा है ये बाल छड़े पड़ेंगे सर, इनके नहीं पड़ेंगे के भी। अच्छा। इन्हें छोड़ देंगे ये बताए किसके बड़े हैं ये बाल, तो इनके मजदूर किसान के बड़न लग रहे। अच्छा। नौ भी नेता है। अच्छा। ये भी इनके आत है शुरू हो गई नौमा दसवा भी लग गया नहीं, आज इनके बोलने शुरू हो गए, ये भी इनके लिखेंगे कनागत कनागत भी आने वाले हैं, ये आने वाले हैं, ये तो लिखेंगे थोड़े दिन रह रहे हैं, थोड़े से दिन रह रहे भी इनके कनागत भी लिखेंगे आत शुरू हो गए। अच्छा। हाँ भाई दो मिनट बोला ना बताओ ना बात कर देख भाई, और पूछ ले ना तू कुछ ही तो नहीं बता, ये जो कोई सारा यू सांग हुआ है आज जो 28 तारीख को लिया आज। हाँ। जो सारा देश परेशान हो रहा है, यू एक पत्रकार ने भी कही थी भाई सारा करनाल दुखी हो रहा है, सारे किसान दुखी हो गए, अगर ये बैठे कितने और जल्दी चंडीगढ़ जून इतने बात तो नहीं कही है भाई, ये हालात नहीं बना था, ये किसके किने जिम्मेवार मानना है ताऊ, मैं बताऊँ हमारा प्रोग्राम खलंदरी गेट गुरुद्वारे करनाल में होना था यू कट्ठे, हम 300 किसान वहाँ तड़की पहुँच गए थे इनके बैरियर तोड़कर,
सारा करनाली ने बंद कर रखा, अरे एक दुकान बंद है, अरे एक आदमी तंग है। हमने कहा भाई ये क्यों करे, हमने काले झंडे तय दिखाने थे और वहाँ 300 आदमी पहुँच रहा था, वहाँ क्यों नहीं पिटे। इनने बेड़ा था बस्ताड़ा टूल पर, थोड़े से किसान है उन्हें पिट लो, थोड़े से किसान है उन्हें पीट लेता। उस समय सिंह संधु है भाई सारी बात बताई, आप जुड़े रहो बने रहो लगातार, बस्ताड़ा टोल प्लाजा था एक एक रिपोर्ट देते रहेंगे बता हमने ग्राउंड मीडिया से। मैं एक बार फिर अपने कैमरा सुगिन चारालम के साथ बस्ताड़ा टोल प्लाजा से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।